नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस बाई नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी इसमें मूल रूप से कुछ भारतीय और पाश्चात्य कलाकार होंगे, उनकी कृतियाँ होंगी। कृतियाँ आप जानते हैं खूब पूछी जाती हैं, तो एक साइड में कलाकार, दूसरी साइड में उनकी कृतियाँ हैं। बहुत सारी कृतियाँ यानी बहुत सारी रचनाएँ आज आपको देखने को मिल जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे, बस इसका प्रैक्टिस कर लेना है, थोड़ा सा लंबा प्रैक्टिस होगा। पहला नाम अवनी बाबू का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया है। इनकी रचनाओं की बात करें तो आप जानते हैं मेघदूत है, उमर खैयम है, गणेश जननी है, बुद्ध सुजाता है, संध्यादीप है, बहुत सारी रचनाएं हैं। लेकिन स्टार्टिंग से अगर बात करते हैं तो ताजमहल और शाहजहाँ की मृत्यु को भी इन्होंने जो है बनाया है। औरंगजेब का बुढ़ापा भी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। बुद्ध और सुजाता भी बहुत अच्छी रचना है। भारत माता भी बहुत प्रख्यात रचनाओं में शुमार है। ताज को निहारता शाहजहाँ भी मूल रूप से किसने बनाया है, तो वो अवनींद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं में शुमार है। पद्म पत्र के अद्भुत बिंदु की अगर बात करते हैं तो ऐसी रचना किसने बनाई, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाई है। जबकि स्वतंत्रता का स्वप्न अगर बात करें तो ऐसी रचना भी अवनींद्रनाथ ठाकुर की ही मानी जाती है। कृष्णलीला की अगर बात करते हैं, बहुत प्रख्यात रचनाओं में शुमार है अवनी बाबू के। जबकि रवींद्रनाथ का महाप्राण है या फिर महाप्रयाण की अगर बात करें तो ऐसी रचना भी अवनी बाबू के द्वारा ही बनाई जाती है। तिस्य रचिता जो है ऐसी रचना किसके द्वारा बनाई जाती है, ये भी अवनी बाबू की रचना है। महापुराण और संध्यादीप की अगर बात करते हैं, ये भी अवनी बाबू की रचनाओं में शुमार है, अवनी बाबू की प्रख्यात रचनाओं में शुमार है। आगे अगर बात करते हैं तो अवनी बाबू की कुछ रचनाएं और हैं, जैसे बुद्ध जन्म बहुत पूछा जाता है, बुद्ध जन्म, गणेश जन्म और जो है सॉरी गणेश जननी, बुद्ध जन्म और जो है उमर खैयम। उमर खैयम कई बार छप चुका है क्वेश्चन, याद रखना अवनी बाबू ने बहुत अच्छे से सजोया है। आलिफ लैला की अगर बात करते हैं, आलिफ लैला किसकी रचना है, तो ये भी मूल रूप से अवनी बाबू की रचनाओं में शुमार है। धर्म केतु की झोपड़ी में जो है अभय देवी की अगर बात करें तो ऐसी रचना किसके बनाई है, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई जाती है। मेघदूत बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, अवनी बाबू की रचना है, याद रखना। जो क्वेश्चन सभा है, ताजमहल को देखता हुआ शाहजहाँ और मूल रूप से संध्या गीत, महापुराण, बुद्ध जन्म, गणेश जननी, उमर खैयम और मूल रूप से मेघदूत, ये सारे क्वेश्चंस छप चुके हैं, आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, इसलिए इन्हें याद रखना। उसके बाद अवनी बाबू के बाद जो है नाम आएगा प्रख्यात चित्रकार मूल रूप से नंदलाल बोस का। नंदलाल बोस की अगर बात करते हैं, अवनी बाबू के चेले होते हैं। नंदलाल बोस की पहली रचना घायल बकरी को ले जाते बुद्ध, ऐसी रचना भी बनाई है। युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा भी बनाई है। गांधी जी की दांडी यात्रा क्वेश्चंस कई बार छपा है, याद रखना है, नंदलाल बसु की है। गांधारी की अगर बात करें, ऐसी रचना नंदलाल बसु ने बनाया। शिव का विष्पान, स्वर्ण जो है स्वर्ण का कुंभ भी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। और मूल रूप से स्वर्ण कलश की बात करें, कर्ण की बात करें, यम सामित्री की बात करें या फिर बसंत की बात करें, ऐसी रचना किसने बनाई, तो नंदलाल बसु, जिसे हम लोग मास्टर मोशाई के नाम से प्यार से बुलाते हैं, मास्टर मोशाई के नाम से जानते हैं, मोशाई, तो इनकी रचना है। आगे अगर बात करते हैं प्रख्यात रचनाएं दुर्गा, सती और स्वप्न की अगर बात करें तो ये रचना किसकी हैं, तो ये भी रचनाएं मूल रूप से मास्टर मोशाई की हैं। अर्जुन को भी, बुद्ध और मेष को भी बहुत अच्छे से बनाया है मास्टर मोशाई ने। वीणा वादिनी की अगर बात करते हैं, वीणा वादिनी अच्छी रचनाओं में शुमार है। और वीणा वादिनी के साथ साथ संथाल संथालनी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, याद रखना। वीणा वादिनी के बाद संथाल संथालनी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। बिरहणी मेघ की अगर बात करते हैं, ऐसी रचना भी मूल रूप से किसने बनाया है, नंदलाल बोस के द्वारा बनाया जाता है। उमा की तपस्या बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, नंदलाल बोस ने बनाया है। और सरस्वती मूल रूप से किसने बनाया है, तो ये भी मास्टर मोशाई की रचनाओं में शुमार है। वृक्षारोपण की अगर बात करते हैं, वृक्षारोपण बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है मास्टर मोशाई के, तो वृक्षारोपण, भीष्म और एकलव्य की अगर बात करते हैं तो ऐसी रचनाएं मूल रूप से नंदलाल बसु की है, जिसमें यम सावित्री बहुत फेमस है, स्वर्ण का कुंभ या फिर मूल रूप से शिव का विष्पान बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। गांधी जी की दांडी यात्रा भी कई बार पूछा गया है, संथाल संथालनी भी बहुत बार पूछा गया, वीणा वादिनी भी कई बार छप चुका है क्वेश्चन, तो याद रखना होगा नंदलाल बसु की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। आगे हम लोग बात करेंगे तो अगला महत्वपूर्ण नाम आता है सुकुमार हलधर का। मूल रूप से सुकुमार हलधर जोड़ा साको बंगाल वाले हैं, याद रखना है, अवनी बाबू के शिष्य होते हैं। अवनी बाबू के क्या शिष्य हैं, बिल्कुल सही, अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य होते हैं। कच्छ देवयानी की अगर बात करें, ऐसी रचना किसने बनाई, असित कुमार हलधर ने बनाई। विकासोन्मुख यौवन की अगर बात करें, ऐसी रचना किसने बनाई, असित कुमार हलधर ने बनाई। उनकी बपौती की अगर बात करते हैं, ऐसी रचना भी जोड़ा साको के असित कुमार हलधर ने बनाया है। असित कुमार हलधर वही हैं जो 1925 में लखनऊ कला विद्यालय के मूल रूप से प्रिंसिपल बनते हैं। प्रारब्ध की अगर बात करें, ऐसी रचना भी असित कुमार हलधर ने बनाई। बसंत विहार बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है असित कुमार हलधर के। मेघदूत रचना भी मूल रूप से बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, किसके, तो मेघदूत रचना भी असित कुमार हलधर की रचना है, याद रखना है। चौराहे पर भी रचना मेघदूत की तरह है जो है असित कुमार हलधर ने बनाया है।
और असीम जीवन की बात करें, नए पुराने, नववधु, ताला जो है, ताल और प्रकाश की अगर बात करें, ऐसी रचना किसके द्वारा बनाई जाती है, तो ये सारी की सारी रचनाएं भी मूल रूप से असित कुमार हलधर के द्वारा बनाई जाती हैं। ऋतु संहार पूछा गया क्वेश्चन है, उमर खय्यम पूछा गया क्वेश्चन है, अभी आपने कुछ देर पहले भी देखा था उमर खय्यम, उमर खय्यम मूल रूप से अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भी बनाया है, उमर खय्यम मूल रूप से असित कुमार हलधर ने भी बनाया है। कुणाल और अकबर की अगर बात करते हैं, रचना इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, मूल रूप से किसने बनाया है, असित कुमार हलधर की रचनाओं में शुमार है। संगीत रचना भी असित कुमार हलधर की और लक्ष्मी भी असित कुमार हलधर ने बनाया है। शिव और हर हर पार्वती की अगर बात करते हैं, तो मूल रूप से शिव और हर हर पार्वती भी असित कुमार हलधर की, जोड़ा साकू बंगाल वाले असित कुमार हलधर की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। तो ये बात असित कुमार हलधर की है। असित कुमार हलधर के बाद मूल रूप से हम लोग अलग अलग कालों में अलग अलग जो है कलाकारों को देखेंगे, जो मूल रूप से कहीं ना कहीं समकालीन कलाकार के अंतर्गत आते हैं। भाव सामर्थ्य की अगर बात करते हैं, तो भाव सामर्थ्य मूल रूप से खेत से वापसी की बात करते हैं, ऐसी रचना बनाए हैं, और बेखुदी की बहुत अच्छी सार्थक रचना मूल रूप से भाव सामर्थ्य के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद नाम आता है प्रख्यात मूर्तिकार और चित्रकार देवी प्रसाद राय चौधरी का। देवी प्रसाद राय चौधरी की प्रख्यात रचनाओं में मुसाफिर है, कमल सरोवर है, लेप्चा कुमारी बहुत अच्छी रचना है, याद रखना, डबल स्टार के साथ रखिएगा, लेप्चा कुमारी डीपी राय चौधरी की बहुत अच्छी रचना है। नेपाली लड़की भी डीपी राय चौधरी की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, नेपाली लड़की हो गया, श्रम का विजय, बहुत पूछा जाता है श्रम का विजय बेटा, याद रखना है, डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाया गया है। हरा और सुवर्ण की अगर बात करते हैं, भी डीपी राय चौधरी की है। आंधी के पश्चात भी बहुत अच्छी रचना है डीपी राय चौधरी की। निर्वाण और पुल भी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है देवी प्रसाद राय चौधरी की। अगले महल की गुड़िया बहुत अच्छी रचना है, किसने बनाया है, डीपी राय चौधरी के द्वारा महल की गुड़िया रचना भी मेंटेन किया जाता है। दुर्गा पूजा भी मूल रूप से डीपी राय चौधरी की है। अभिशारिका क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइएगा, अभिशारिका किसने बनाया, तो मूल रूप से देवी प्रसाद राय चौधरी की रचनाओं में शुमार। शोभा यात्रा की बात करते हैं, तो शोभा यात्रा किसने बनाया है, शोभा यात्रा रचना भी मूल रूप से देवी प्रसाद राय चौधरी की है। तो याद रखना होगा, डीपी राय चौधरी आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं, याद रखना, डीपी राय चौधरी से कभी कभी एक प्रश्न तो कभी कभी दो से तीन प्रश्न भी आ जाता है, इसलिए याद रखना है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो डीपी राय चौधरी की प्रख्यात रचनाओं में कौन कौन सा आया, तो आपने देखा है यमुना नहीं, शोभा यात्रा आया है, शोभा यात्रा आया है, अभिशारिका आया है, निर्माण आया है, श्रम का विजय आया, नेपाली लड़की आया, लेप्चा कुमारी आया, कमर सुमोवर आया, वो मुसाफिर आया। तो ये सारी रचनाएं मूल से महत्वपूर्ण रचनाओं की बात हो रही है, याद रखना, वैसे तो बहुत सारी रचनाएं लोगों ने बनाई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसे आपको कराया जा रहा है। तो डीपी राय चौधरी की ये सब प्रख्यात रचनाओं में शुमार है। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है क्षितिनाथ मजूमदार का। क्षितिनाथ मजूमदार भी मूल रूप से अवनी बाबू के ही शिष्य हैं, जैसे डीपी राय चौधरी रहे, जैसे नंदलाल बोस रहे, जैसे कुमार हलधर रहे। क्षितिनाथ मजूमदार की बात करें तो अच्छी रचना है यमुना, यमुना के साथ अभिशारिका, अभिशारिका के साथ गीत गोविंद, गीत गोविंद के साथ साथ चैतन्य, और चैतन्य के साथ साथ लक्ष्मी जो भारतीय लक्ष्मी है, मूल रूप से क्षितिनाथ मजूमदार के द्वारा बनाई जाती है। पुष्प प्रचायिका की अगर बात करें, पुष्प प्रचायिका भी बहुत अच्छी रचना है क्षितिन बाबू की, और प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में किसने बनाया, तो प्रभु हरिदास अपनी अंतिम अवस्था में लेटे हुए क्षितिनाथ मजूमदार की प्रख्यात रचनाओं में शुमार है, डबल स्टार के साथ रखिएगा, क्षितिन बाबू की रचना है, पूछी जाती है। उसके बाद प्रख्यात कलाकार रतिन मित्रा का नाम आता है। रतिन मित्रा की कौन सी जो है डाटा ज़्यादा फेमस है, तो गुलदस्ता लिए हुए लड़की मूल रूप से बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, और बंगाल का नौका दौड़ उत्सव मूल रूप से किसने बनाया है, रतिन मित्रा की है। तो हो सकता है बंगाल का नौका दौड़ उत्सव आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए याद रखना होगा, रतिन मित्रा की अच्छी रचनाओं में शुमार है। उसके बाद अमृता सिरगल की बात होगी। अमृता सिरगल, याद रखना है, अमृता सिरगल प्रोफेशनल मॉडल को बनाती हैं, पर्वतीय पुरुष को बनाती हैं, पर्वतीय स्त्रियों को बनाती हैं, भिखमंगों को दर्शाती हैं, नील वसना को बनाती हैं, नौ स्त्रियों को बनाती हैं, ब्रह्मचारी को भी बनाती हैं, वधु का श्रृंगार बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, याद रखना, वधु का श्रृंगार किसका है, तो अमृता सिरगल का है। वधु का श्रृंगार किसका है, अमृता सिरगल की रचना है। बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय ग्रामीण मूल रूप से किसने बनाया, तो ऐसी रचना भी अमृता सिरगल के द्वारा बनाई जाती है। गणेश पूजा अभी आपने देखा था, गणेश जननी किसने बनाया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। गणेश पूजा मूल रूप से किसने बनाया, तो गणेश पूजा की रचना अमृता सिरगल ने बनाई है। हाथी का स्नान मूल रूप से पूछा गया रचना है, याद रखना है, अमृता सिरगल की है। हल्दी पीसती औरतें मूल रूप से किसने बनाया, तो ये भी मूल रूप से अमृता सिरगल की अच्छी रचनाओं में शुमार है। सिख गायिका की अगर बात करते हैं, तो सिख गायिकाएं भी मूल रूप से अमृता सिरगल के द्वारा बनाई जाती हैं। फल बेचने वाली ये डाटा इंपॉर्टेंट है, केले का फल और कभी कभी फल बेचने वाला पूछा जाता है, तो ये भी मूल रूप से किसने बनाया है, अमृता सिरगल ने बनाया है। नारी को बहुत अच्छे से दर्शाया है अमृता सिरगल ने, और भारतीय लड़कियों को भी दर्शाने का प्रयास अमृता सिरगल कर रहा है। साथ ही साथ पणिहारिणी की अगर बात करते हैं, तो ऐसी रचना भी मूल रूप से किसकी है, अमृता सिरगल की अच्छी रचनाओं में शुमार।
ये थे अमृता सर्कल से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रमोद कुमार चटर्जी की। प्रमोद कुमार चटर्जी की अगर रचना पूछी जाए तो भागीरथी और गंगा बहुत अच्छी रचना है, और नर्तकी अमरपाली, नर्तकी अमरपाली और भागीरथी गंगा मूल रूप से किसकी रचना है, तो प्रमोद कुमार चटर्जी की प्रख्यात रचनाओं में शुमार है। आपको देखना होगा, नोट डाउन करना होगा। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन टपक सकता है, इसलिए आपको देखना जरूरी हो जाता है। अगला नाम देवयानी कृष्ण का है। देवयानी कृष्ण यानी अल्लाह की अगर बात करें तो ऐसी रचना अल्लाह को किसने बनाया, देवयानी कृष्ण ने बनाया। और बम बम भोले को किसने बनाया है, तो बम बम भोले रचना भी प्रख्यात रचनाओं में शुमार है देवयानी कृष्ण की। देवयानी कृष्ण के बाद मूल रूप से शैलेंद्रनाथ डे की बात होगी। शैलेंद्रनाथ डे और शैलेंद्रनाथ डे की सबसे अच्छी रचना यक्ष पत्नी है। सबसे अच्छी रचना यक्ष पत्नी है शैलेंद्रनाथ डे की, याद रखना। यक्ष पत्नी को किसने बनाया, शैलेंद्रनाथ डे ने बनाया। यशोदा और बालकृष्ण को किसने बनाया, मूल रूप से शैलेंद्रनाथ डे ने बनाया। और वनवासी यक्ष की अगर बात करते हैं तो वनवासी यक्ष और यक्ष पत्नी दोनों रचनाएं शैलेंद्रनाथ डे की हैं। तीनों रचनाओं को आपको याद रखना होगा, यक्ष पत्नी, वनवासी यक्ष और यशोदा और बालक कृष्ण किसने बनाया, शैलेंद्रनाथ डे की प्रख्यात रचनाओं में शुमार। शैलेंद्रनाथ डे के बाद हम लोग यामिनी रंजन राय को पढ़ेंगे, जिन्हें भारत का पिकासो कहा जाता है। भारत का पिकासो मूल रूप से बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखते हैं, जैसे राम कृष्ण और बलराम बहुत अच्छी रचना है, यामिनी रंजन राय ने बनाया। गणेश और पार्वती अच्छी रचनाओं में शुमार है, यामिनी रंजन राय ने बनाया। ईशा व शिष्य मूल रूप से किसकी रचना है, यामिनी रंजन राय की है। उसके साथ साथ तीन स्त्रियां बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, यामिनी रंजन राय की है। उसके साथ बिल्ली हो गया, केकड़ा हो गया, मछली हो गया, लोमड़ी और हाथी हो गया, ऐसी रचना किसके द्वारा बनाया जाता है, तो मूल रूप से ये सारी की सारी रचनाएं यामिनी रंजन राय की। संथाल मल्लाह की अगर बात करते हैं तो संथाल मल्लाह किसकी रचना है, संथाल मल्लाह को भी बनाने का काम मूल रूप से यामिनी रंजन राय का रहा है। स्त्री नहीं पूजा रत स्त्री, पूजा रत स्त्री को किसने बनाया, तो पूजा रत स्त्री भी भारत के पिकासो यानी यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाया जाता है। हालांकि भारत के पिकासो आप जानते हैं दोनों को कहा जाता है, एक तो मकबूल फिदा हुसैन, दूसरा यामिनी रंजन राय, इसलिए नाम लेना जरूरी हो जाता है। गांव के किसानों को बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास यामिनी रंजन राय ने किया है। तुलसी पूजन की अगर बात करते हैं, ऐसी रचना भी यामिनी रंजन राय की है। और माता और पुत्र भी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है यामिनी रंजन राय की, यामिनी रंजन राय की। तो सबसे बढ़िया बढ़िया रचना कौन सी है, तो आपने जाना है कि तीन स्त्रियां बनाई, ईशा और जो है ईशा और शिष्य बनाए, गणेश और पार्वती बनाए, मूल रूप से राम और बलराम को बनाया है, और पूजा रत स्त्री भी बनाया है, तुलसी पूजन भी बनाया है, माता और पुत्र भी बनाया है। तो ऐसी रचनाएं मूल रूप से किसकी हैं, यामिनी रंजन राय की है, आपको याद रखना होगा। यामिनी रंजन राय के बाद हम लोग किसे पढ़ेंगे, मनीषी डे को पढ़ लेते हैं। मनीषी डे की अगर बात करते हैं तो पनघट की ओर बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। पनघट की ओर किसने बनाया, मनीषी डे ने बनाया। महिला को किसने दर्शाया, मनीषी डे ने बनाया। और बंगाली शरणार्थी की अगर बात करते हैं तो मनीषी डे की अच्छी रचनाओं में शुमार है जो है बंगाल शरणार्थी या फिर बंगाली शरणार्थी। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है कल्याण सेन का। कल्याण सेन एक अच्छे चित्रकारों के रूप में जाने जाते हैं, और टेम्स पर रविवार की सुबह को बहुत अच्छे से दर्शाया है, तो एक रचना इनकी याद रखना है। फिर नाम आएगा के वेंगटप्पा का। के वेंगटप्पा की अगर रचनाओं में बात करते हैं तो प्रताप सिंह को बहुत अच्छे से बनाया है, प्रताप सिंह को बहुत अच्छे से बनाया है। उसके बाद राम को बहुत अच्छे से बनाया, राम के बाद आएंगे सीता और सीता का स्वर्ण मृग, तो ये दोनों बहुत अच्छे से किसने बनाया है, सीता और सीता का स्वर्ण मृग के वेंगटप्पा की अच्छी रचनाओं में शुमार है। शंकराचार्य को बहुत अच्छे से के वेंगटप्पा ने बनाया। महाशिवरात्रि बहुत अच्छे से दर्शाया किसने, के वेंगटप्पा ने। बुद्ध और शिष्य की अगर बात करते हैं, के वेंगटप्पा की रचना है। टीपू सुल्तान बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, याद रखना के वेंगटप्पा की। जबकि अर्धनारीश्वर की अगर बात करते हैं तो मूल रूप से ऐसी रचना भी इसके द्वारा बनाया जाता है, तो अर्धनारीश्वर रचना भी के वेंगटप्पा की रचनाओं में शुमार है। उपदेश देते हुए बुद्ध की अगर बात करते हैं तो ऐसी रचना भी के वेंगटप्पा की है। और राम से अंगूठी लेते हुए हनुमान, ऐसा दृश्य किसने बनाया, तो राम से अंगूठी ले रहे हैं हनुमान, के वेंगटप्पा ने इसे जो है बिल्कुल छाप दिया है, याद रखना। मृग तृष्णा की बात करें या फिर स्वर्ण मृग की बात करें तो ऐसा दृश्य किसने बनाया, तो मृग तृष्णा और स्वर्ग मृग भी बनाने का काम मूल रूप से के वेंगटप्पा का रहा है। अंबा विलास की अगर बात करते हैं, अंबा विलास प्रख्यात रचनाओं में शुमार है। अंबा विलास जो है के वेंगटप्पा की अच्छी रचनाओं में शुमार है। और लंका तक पुल निर्माण, लंका तक पुल निर्माण रचना किसकी है, तो लंका तक पुल निर्माण रचना भी मूल रूप से के वेंगटप्पा की अच्छी रचनाओं में शुमार है, अच्छी रचनाओं में शुमार है। तो ये के वेंगटप्पा की बात हो रही है। के वेंगटप्पा में और देखते हैं, शारदा चरण उकील को देखेंगे। के वेंगटप्पा की अच्छी अच्छी रचना कौन कौन सी रही, तो महाशिवरात्रि रही, शंकराचार्य रहा, प्रताप सिंह रहा, राम सीता स्वर्ण मृग रहा, बुद्ध और शिष्य रहा, मूल रूप से टीपू सुल्तान रहा, अर्धनारीश्वर रहा, ये बहुत अच्छी रचना है। उसके बाद बात होगी शारदा चरण उकील की। शारदा चरण उकील की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है प्रेम पीड़ित बिरहणी। प्रेम पीड़ित बिरहणी किसकी रचना है, शारदा चरण उकील की रचना है। जर्जर भिखारी की अगर बात करते हैं, जर्जर भिखारी भी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, शारदा चरण उकील की रचना है। संदेश रचना की अगर बात करते हैं तो संदेश रचना भी शारदा चरण उकील की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है।
अगला नाम आएगा ईद व दूज के चांद। ईद व दूज के चांद को किसने दर्शाया है? तो ईद और दूज के चांद को भी शारदा चरण उकील ने बखूबी अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया है, बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया है। तो याद रखना, शारदा चरण उकील ईद और दूज के चांद को भी दर्शाते हैं और बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। शारदा चरण उकील के बाद मूल रूप से कौन सा कलाकार आएगा? नाम होगा कृष्ण केंटागिरी हेब्बर के। हेब्बर की बात होगी तो अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, जैसे भिखारी हो गया, फल बेचने वाला हो गया, भारतीय नृत्य माँ और बेटी हो गया, किसकी रचना है? किक्के हेब्बर की है। साधु है, श्रमिक है, अज्ञात की ओर है, किसकी रचना है? किक्के हेब्बर की है। फेस्टिवल इन आ स्लम, फेस्टिवल इन आ स्लम डाटा इंपॉर्टेंट है, किक्के हेब्बर की प्रख्यात रचनाओं में शुमार है। फ्लड की बात हो जाए, प्रवाह की बात हो जाए, पर्वत धारा की बात हो जाए, किसकी रचना है? किक्के हेब्बर ने बनाया है। ड्राफ्ट की अगर बात करते हैं, भी किक्के हेब्बर की अच्छी रचनाओं में शुमार है। मुर्गे की लड़ाई बहुत बार पूछी गई है, मुर्गे की लड़ाई रचना किसकी है? तो मुर्गे की लड़ाई रचना किक्के हेब्बर की है, किक्के हेब्बर की है। आगे सुनहरे और लाल जोड़े की रात, सुनहरे और लाल जोड़े की रात मूल रूप से किसकी रचना है? तो ऐसी रचना भी किक्के हेब्बर की ही मानी जाती है। धान कूटते हुए आकाश पर, धान कूटते हुए आकाश पर किसने बनाया? किक्के हेब्बर की अच्छी रचना है। और टाइल फैक्ट्री की अगर बात करें, ऐसी रचना किसकी है? तो टाइल फैक्ट्री भी डाटा इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया है? कृष्ण केंटागिरी हेब्बर ने बनाया है। ब्रज होली और सांझ मूल रूप से किसकी रचना है? ब्रज होली और सांझ भी किक्के हेब्बर की अच्छी रचनाओं में शुमार है। अगला नाम आएगा श्रीनगर और नरजीवन का, तो श्रीनगर नरजीवन भी किक्के हेब्बर की अच्छी रचना है। और मवेशी हाट की अगर बात करें या फिर धूप दीप्ति की अगर बात करें, तो ऐसी रचना मवेशी हाट किसने बनाया है? ये भी किक्के हेब्बर की प्रख्यात रचनाओं में शुमार है, किक्के हेब्बर की प्रख्यात रचनाओं में शुमार है। तो ये नाम किक्के हेब्बर से जुड़ा हुआ था, अति रचनाएँ मूल रूप से किक्के हेब्बर की इंपॉर्टेंट है। किक्के हेब्बर के बाद आप जानते हैं राजकुमारों का राजकुमार आएगा, चित्रकार का राजकुमार आएगा, जिसका नाम होगा राजा रवि वर्मा। केरला के लिए मन्नूर का लाल है, 1848 में जिसका जन्म होता है उसे पढ़ेंगे। 29 अप्रैल का दिन पहली रचना मूल रूप से बहुत फेमस रचना शकुंतला के प्रेम पत्र, शकुंतला के प्रेम पत्र राजा रवि वर्मा की है। विश्वामित्र और मेनका राजा रवि वर्मा की है। हरिश्चंद्र रचना राजा रवि वर्मा की है। श्री कृष्ण बलराम राजा रवि वर्मा की है। मोहिनी श्री जो है राजा रवि वर्मा की है। पुष्प बालिका की अगर बात करते हैं, राजा रवि वर्मा की अच्छी रचनाएँ हैं। इंद्रजीत विजय की अगर बात करते हैं, बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है राजा रवि वर्मा के। रावण और जटायु की अगर बात होगी, राजा रवि वर्मा आएंगे। गरीबी की अगर बात होगी, राजा रवि वर्मा आएंगे। रुक मागदा की अगर बात करते हैं, ऐसी रचना भी मूल रूप से राजा रवि वर्मा के द्वारा ही बनाई जाती है। मत्स्य गंधी की अगर बात करते हैं, मूल रूप से राजा रवि वर्मा ने बनाया है। जबकि संदेशवाहक हंस की अगर बात करें, तो ऐसी रचना भी राजा रवि वर्मा के द्वारा ही तैयार की जाती है। माता व पुत्र की अगर बात करते हैं, अच्छी रचनाओं में शुमार है और मूल रूप से राजा रवि वर्मा ने बनाया है। उषा अनिरुद्ध की अगर बात करते हैं, तो उषा और अनिरुद्ध रचना भी मूल रूप से राजा रवि वर्मा के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। शकुंतला और दुष्यंत की अगर बात करते हैं, तो शकुंतला और दुष्यंत अच्छी रचनाओं में शुमार है और राजा रवि वर्मा की ही है, याद रखना रवि वर्मा की है। राम द्वारा समुद्र का मानभंग रचना इंपॉर्टेंट है, राम द्वारा समुद्र का मानभंग किसने बनाया है? तो ऐसी रचना भी मूल रूप से राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया जाता है। गंगा अवतरण भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है राजा रवि वर्मा की। और विराट का दरबार, विराट का अगर या फिर विराटा का दरबार पूछा जाए, तो भी मूल रूप से लगाना राजा रवि वर्मा ही। दादा भाई नेरोजी को किसने बनाया? दादा भाई नेरोजी का चित्र भी मूल रूप से राजा रवि वर्मा ने बनाया है। भिक्षादान की अगर बात करते हैं, ये भी प्रख्यात रचनाएं हैं राजा रवि वर्मा की। उदयपुर का किला अगर बात करते हैं, ये भी प्रख्यात रचनाओं में शुमार है और राजा रवि वर्मा की रचना है। साधु और मेनका की अगर बात करते हैं, राजा रवि वर्मा की रचना है। सेवानिवृत्त सिपाही की अगर बात करते हैं, तो सेवानिवृत्त सिपाही मूल रूप से अच्छी रचनाओं में शुमार है और राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया जाता है। वामन अवतार की अगर बात करते हैं, ऐसी रचना किसने बनाया? रवि वर्मा के द्वारा बनाई जाती है, रवि वर्मा के द्वारा। बिछुड़ी की अगर बात करते हैं, बिछुड़ी भी बहुत अच्छी रचनाएं शुमार है, याद रखना है राजा रवि वर्मा के द्वारा ही बनाया जाता है। और चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, चांदनी रात में पनघट से लौट रहे हैं, ऐसा दृश्य दर्शाने का प्रयास किसने किया है? तो ये भी दृश्य मूल रूप से राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया जाता है। आगे बात करते हैं, तो अगला पॉइंट आता है प्रस्थान। प्रस्थान रचना किसने बनाया? राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया जाता है। कंजूस बुद्ध की अगर बात करते हैं, राजा रवि वर्मा की है। कुलीन महिलाएं राजा रवि वर्मा की है। मेनका राजा रवि वर्मा की है। महेंद्र राजा रवि वर्मा की है। हंस और महिला की अगर बात करते हैं, राजा रवि वर्मा की है। और भीष्म प्रतिज्ञा की अगर बात करते हैं, तो ऐसी रचना भी राजा रवि वर्मा की है। सीता हरण की अगर बात करते हैं, राजा रवि वर्मा की रचना है। दूत के रूप में कृष्ण की अगर बात करते हैं, राजा रवि वर्मा की है। सागर की अगर बात करें, राजा रवि वर्मा की है। और जलाशय की अगर बात करते हैं, ये भी राजा रवि वर्मा की रचना है। जबकि बाला रचना की अगर बात करते हैं, तो बाला रचना भी राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया जाता है।
सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है साधु और मेनिका, उदयपुर का किला, दादा भाई नेरोजी, गंगा अवतरण, समुद्र द्वारा मानभंग राम का, सॉरी राम द्वारा जो है समुद्र का मानभंग। और मूल रूप से कौन सी रचना बहुत फेमस है, तो मत्स्य गंधी भी बहुत फेमस है, माता और पुत्र भी बहुत फेमस है, इंद्रजीत विजय भी बहुत फेमस है, और मूल रूप से विश्वामित्र और मेनिका और शकुंतला का प्रेम पत्र भी बहुत फेमस रचनाओं में शुमार है। हालांकि जितना डाटा पढ़ाया जा रहा है सभी इम्पोर्टेंट ही हैं, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी छप सकता है क्वेश्चन। अगला पॉइंट आएगा सुधीर रंजन खास्तगीर का। सुधीर रंजन खास्तगीर की अगर बात करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। सुधीर रंजन खास्तगीर की भिछोड़ी माँ बहुत पूछा जाता है, विधवा पूछा जाता है, और नववधु बहुत पूछा जाता है, साथ में बसंत रचना भी खास्तगीर की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। ये पूछे जाते रहे हैं, बार बार आते रहे हैं, इसलिए इन्हें आपको कराया जा रहा है। अगला नाम मुकुल चंडे का है। मुकुल चंडे की एक रचना आपको याद रखना है, चांदनी रात में गंगा दर्शन। चांदनी रात में गंगा दर्शन किसने बनाया है? मुकुल चंडे की रचना है, मुकुल चंडे के द्वारा बनाया जाता है। अब्दुल रहमान चौधरी की अगर बात करते हैं, अब्दुल रहमान चौधरी भी अपने आप को मूल रूप से अवनी बाबू का ही शिला मानते हैं, अवनी बाबू का ही शिष्य मानते हैं। बुझी हुई लो जो है बहुत अच्छी रचना है अब्दुल रहमान चौधरी की। गीतदान की अगर बात करते हैं अब्दुल रहमान चौधरी की है। प्रणय की संध्या गीत अगर बात करें ऐसी रचना भी अब्दुल रहमान चौधरी की है। और सन्यासी की अगर बात करते हैं तो ऐसी रचना भी अब्दुल रहमान चौधरी की ही मानी जाती है। आगे अगर नाम करते हैं तो अब्दुल रहमान चौधरी की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, जैसे सहारा की राजकुमारी हो गया, तो सहारा की राजकुमारी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है और अब्दुल रहमान चौधरी की बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। आगे बहने रचना किसकी है? अब्दुल रहमान चौधरी ने बनाया। जीवन जाल की अगर बात करते हैं, जीवन जाल भी अब्दुल रहमान चौधरी ने बनाया है। प्रिंस सलीम, प्रिंस सलीम को किसने दर्शाया है? तो ये भी चगुतई की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। चगुतई की अगर बहुत अच्छी रचना मानी जाए तो प्रिंस सलीम ही उसमें शामिल है। जंगल में लैला भी बहुत अच्छी रचना है, राधा कृष्ण भी बहुत अच्छी रचना है, और जो है हरिमन तोता की अगर बात करते हैं तो हरिमन तोता भी अब्दुल रहमान चगुतई की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, जिसमें जंगल में लैला मूल रूप से, प्रिंस सलीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सहारा की राजकुमारी बहुत फेमस है, और मूल रूप से बुझी हुई लौ और चांदनी रात में गंगा दर्शन भी फेमस। अच्छा, चांदनी रात में गंगा दर्शन तो मुगल चंडे का था ना। अब्दुल रहमान चौधरी की कौन सी है? बुझी हुई लोग, गीतदान बहुत फेमस रचना है, तो इस पे आपको खास ध्यान देना होगा। अब्दुल रहमान चौधरी की बात करेंगे तो आएगा रविंद्र बाबा का नाम। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाओं में नाम आता है। थके हुए स्त्री की, माँ और बच्चे की, सफ़ेद धागे में क्रंदन करता हुआ ऊँट, और मूल रूप से प्राचीन कानाफूसी। प्राचीन कानाफूसी किसने बनाया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया जाता है। 67 साल की उम्र में मूल रूप से चित्रकारी की ओर आते हैं। कई जगह 64 लिखा मिलता है, कई जगह 62 लिखा मिलता है, कुल मिलाकर के 70वें दशक में मूल रूप से अपने 70 साल की उम्र में चित्रकारी की ओर ये उन्मुख होते हैं। अगला नाम आता है के एस कुलकर्णी का। के एस कुलकर्णी की अगर बात करते हैं तो कछावाचक बहुत अच्छी रचना है, पनघट बहुत अच्छी रचना है, खेत और बैल भी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, श्रृंगार माता और पुत्र बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है के एस कुलकर्णी की, और साथ में कबाड़ी की अगर बात करते हैं तो कबाड़ी को बहुत अच्छे से दर्शाने का काम के एस कुलकर्णी के द्वारा किया जाता है। टोकरी लिए लड़की की अगर बात करते हैं तो टोकरी लिए हुए लड़की भी रचना बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, के एस कुलकर्णी की रचना मानी जाती है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अगला नाम आएगा गगनेंद्रनाथ ठाकुर का। गगनेंद्रनाथ ठाकुर की अगर बात करते हैं तो रचनाएं कौन कौन सी हैं? टेंपल क्यूबिस्टिक। टेंपल क्यूबिस्टिक किसकी है? गगनेंद्रनाथ ठाकुर की है। उसके साथ साथ सिटी इन दी लाइट, सिटी इन दी लाइट रचना किसकी है? मूल रूप से गगनेंद्रनाथ ठाकुर की है। द्वारिकापुरी की अगर बात करते हैं गगनेंद्रनाथ ठाकुर की है। द स्प्रिट ऑफ दी डॉन, द स्प्रिट ऑफ दी डॉन रचना किसने बनाया? मूल रूप से गगनेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनाया जाता है। गगनेंद्रनाथ ठाकुर किसके भाई होते हैं? आप जानते हैं, उन्नीनाथ ठाकुर के भाई होते हैं। मीटिंग इन द स्टेयर केस की बात करें तो ये भी रचना मूल रूप से गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने बनाया है। अर्जुन और चित्रांगदा की अगर बात करते हैं तो अर्जुन और चित्रांगदा को भी बहुत अच्छे से गगनेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा ही सजाया जाता है। द गार्डन ऑफ हिस्ट्री, द गार्डन ऑफ हिस्ट्री किसकी रचना है? ये भी गगनेंद्रनाथ ठाकुर की रचना है। और विरूप वज्र की अगर बात करते हैं तो विरूप वज्र भी मूल रूप से गगनेंद्रनाथ ठाकुर की अच्छी रचनाओं में शुमार है। अद्वैत लोक की अगर बात करते हैं तो अद्वैत लोक रचना भी मूल रूप से गगनेंद्रनाथ ठाकुर की है। और नौ लोहार की अगर बात करें तो नौ लोहार भी गगनेंद्रनाथ ठाकुर की प्रख्यात रचनाओं में शुमार है। अद्भुत लोक की अगर बात करते हैं ये भी गगनेंद्रनाथ ठाकुर की रचना है। वर्षा भी गगनेंद्रनाथ ठाकुर की रचना है। तुषार धवलित की अगर बात करें, याद रखना डाटा इंपॉर्टेंट है, किसकी रचना है? तो तुषार धवलित भी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है और गगनेंद्रनाथ ठाकुर की रचना मानी जाती है। एक बिंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना, एक बिंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना मूल रूप से किसने बनाया है? ये भी गगनेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनाया जाता है। 28 इंपॉर्टेंट रचनाओं में शुमार है, स्टार लगा लीजिएगा। 28 रचना किसने बनाई? तो ये भी गगनेंद्रनाथ ठाकुर की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। आगे अगर बात करते हैं तो पक्षी के लिए नारी, पक्षी के लिए नारी मूल रूप से रचना किसकी है? तो पक्षी के लिए नारी को भी गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने बनाया है। जबकि प्रणय दूत की अगर बात करें तो प्रणय दूत रचना जो है मूल रूप से गगनेंद्रनाथ ठाकुर की अच्छी रचनाओं में शुमार है।
आगे बात करेंगे विश्वेश्वर देव की। विश्वेश्वर देव की अगर बात करते हैं, श्रृंगार रचना इंपॉर्टेंट है और दमयंती रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग पर्वत की अगर बात करें तो स्वर्ण पर्वत, दमयंती और श्रृंगार, ये तीनों रचनाएं विश्वेश्वर देव की हैं, बहुत फेमस रचनाओं में शुमार है, बहुत फेमस रचनाओं में शुमार है। फिर नाम आएगा रविशंकर रावल का। रविशंकर रावल की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, जो है रविशंकर रावल मूल रूप से हार्ट की वो रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़ा रचना बहुत फेमस है, घोड़ा रचना रविशंकर रावल की बहुत फेमस रचना है। बुद्ध का ग्रहाभिमागम की अगर बात करते हैं, ऐसी रचना किसकी है तो बुद्ध का ग्रहाभिमागम की अगर बात करें रविशंकर रावल की रचना है। प्यास का प्यास या कि प्यार की प्यास या फिर प्यार की प्यास रचना मूल रूप से रविशंकर रावल के द्वारा बनाया जाता है। प्यार की प्यास रचना किसने बनाया है तो मूल रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है आप जानते हैं, किसने बनाया है रविशंकर रावल ने बनाया है। टोटके की महिला की अगर बात करते हैं, ये भी रविशंकर रावल की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। और पत्नी और प्यार का बोझ, पत्नी और प्यार का बोझ अगर बात करें तो ये रचना किसकी है तो पत्नी और प्यार का बोझ भी रविशंकर रावल की अच्छी रचनाओं में शुमार है। तो रविशंकर रावल की सबसे अच्छी रचना कौन सी है, हार्ट और जी है, हार्ट की ओर है और घोड़ा है, बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, ठीक है। और प्यार की प्यास या फिर प्यास का प्यार या फिर प्यार की प्यास जो रचना आपके समझ में आया उन रूप से रविशंकर रावल के द्वारा बनाया जाता है। अगला नाम आएगा एनएस बिंद्रे का। एनएस बिंद्रे यानी नारायण श्रीधर बिंद्रे की बात होगी। तो सौराष्ट्र के बरवाड़ की अगर बात करें तो ऐसी रचना नारायण श्रीधर बिंद्रे की है। सूर्यमुखी के फूल इंपॉर्टेंट डाटा है, नारायण श्रीधर बिंद्रे ने बनाया। कंधे पर बच्चा की अगर बात करते हैं, नारायण श्रीधर बिंद्रे की ही रचना है। और श्रृंगार की अगर बात करते हैं, ऐसी रचना भी नारायण श्रीधर बिंद्रे के द्वारा ही बनाया जाता है। लकड़ी का गट्ठर उठाते हुए मूल रूप से ऐसी रचना किसकी है, एनएस बिंद्रे की ही मानी जाती है, एनएस बिंद्रे। फूल बेचने वाली की अगर बात करते हैं, ऐसी रचना किसकी है तो मूल रूप से भी नारायण श्रीधर बिंद्रे की है। और लकड़ी काटने वाली की अगर बात करें तो ऐसी रचना भी नारायण श्रीधर बिंद्रे ने बनाया है। युति की अगर बात करते हैं, युति को भी नारायण श्रीधर बिंद्रे ने दर्शाया है। और ज्येष्ठ की दोपहरी की अगर बात करते हैं तो ये किसकी रचना है, ज्येष्ठ की दोपहरी को भी बहुत अच्छे से दर्शाने का काम मूल रूप से नारायण श्रीधर बिंद्रे ने किया है। दार्जिलिंग के चाय बागान में युति ऐसी रचना भी किसने बनाया है, एन एस बिंद्रे ने बनाया है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। युति की अगर बात करते हैं वो भी रचना इसकी है। गाय और बछड़ा की अगर बात करें, ऐसी रचना नारायण श्रीधर बिंद्रे की है। तोता और चमेलियन की अगर बात करते हैं, ऐसी रचना किसकी है तो ये भी रचना मूल रूप से नारायण श्रीधर बिंद्रे की है। बुद्ध पूजा की अगर बात करते हैं, किसकी रचना है, बुद्ध और पूजा मूल रूप से नारायण श्रीधर बिंद्रे की अच्छी रचनाओं में शुमार है। साथ में स्टेशन पर दो यात्री की अगर बात करते हैं तो स्टेशन पर दो यात्री हैं, ऐसी रचना नारायण श्रीधर बिंद्रे के द्वारा ही बनाया जाता है। आगे बात करते हैं प्रार्थना सभा में गांधी जी, प्रार्थना समाज में गांधी जी मूल रूप से रचना किसने बनाया तो नारायण श्रीधर बिंद्रे के द्वारा बनाया जाता है। और उमर खय्यम की रुबाइयां, याद रखना उमर खय्यम की रुबाइयां रचना मूल रूप से किसने बनाया है तो ये रचना नारायण श्रीधर बिंद्रे की है। जबकि आप जानते हैं उमर खय्यम अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भी बनाया है। उमर खय्यम मूल रूप से और कौन बनाया था तो उमर खय्यम और किसने बनाया था, एक रचना और है उमर खय्यम की, असित कुमार हल्दर की। तो असित कुमार हल्दर ने भी बनाया है, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भी बनाया है और मूल रूप से नारायण श्रीधर बिंद्रे ने भी बनाया है। उम्मीद करता हूँ सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा उस पर आप जो है विशेष फोकस कर लीजिएगा। फिलहाल हमारा कर्तव्य था बताना, हमने बताया, आपका रिवीजन करवाया। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए जय हिंद।